पिंजौर की वार्ड नंबर 6 की लेवर कॉलोनी में समस्याओं का अंबार है। जहां लोगों को बिजली की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं पानी की किल्लत ने उनका जीना बद से बदतर बना दिया है। बिजली की तारें बिना खंभों के चलते नीचे गिरी रहती हैं, जिस कारण बड़े हादसों का भी डर बना रहता है। गलियों में बरसात के दिनों में चलना भी मुश्किल है, क्योंकि गलियां कच्ची हैं और कोई भी मुख्य रास्ता कॉलोनी में नहीं जाता। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी द्रौपदी ने बताया कि वे करीब एक साल से नदी से पानी ला रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ये यहाँ समस्या है कि यहाँ पानी नहीं है, ना कोई लट्ठाएं, ना कोई गली है, हाँ ना खरंजा है कोई, और ना कोई पानी है। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा, यहाँ हो गए 5 महीना। तो यहाँ गलियों के लिए कोई किसी के पास गए? हाँ जी, प्रधान पंच के पास गए हम। क्या मिला वहाँ? ये पानी मिला, कुछ नहीं मिला, दी यूँ करें के पे पहाड़ गए। यहाँ पानी एक बड़ी समस्या है, वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी वे जा चुके हैं। तो पानी की समस्या है यहाँ सारी हुई। तो कितने दिनों से नहीं आ रहा पानी? पानी आ रहा है, एक साल होगी पूरी यहाँ पानी। और क्या समस्या है इसके अलावा? और सारी कीचड़ पड़ा है यहाँ पे, कीचड़ की समस्या, और उसके बाद सारी लेट की समस्या, लेट काट देते हैं बंदे यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी रामवती ने बताया कि वह यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं और आए दिन पानी के लिए झगड़े भी होते रहते हैं। यहाँ भाई बहुत प्रॉब्लम है, ना तो किसी का यहाँ खिरंजा मिलेगा किधर भी, ना ही सड़क पक्की मिलेगी, ना ही पानी का प्रॉब्लम बहुत है। बच्चे भी जाते हैं पानी वाले डगांदे थे, नदी से पानी लेने जाते हैं, बारिश में कौन नदी में जाता है पानी लेने? और बताओ, पानी को प्यासे मरते हैं, हम तो काम पे जाते हैं, बच्चे प्यासे मरते हैं सारा दिन। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग है? ये हमारे को पानी चाहिए और हमारा निजी खम्मा चाहिए बिजली का, और भाई सड़क पक्की होनी चाहिए, खिरंजा होना चाहिए। स्थानीय निवासी सूरज पाल ने बताया कि यहाँ पर बिजली के खंभे नहीं है, वह बिजली कर्मचारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वह पानी की समस्या तो यहाँ की स्थानीय समस्या हो गई है। बच्चे नदी से पानी लाते हैं, जबकि यहाँ नदी में डूबने से कई बच्चे भी अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ तो हम गए 50-60 साल हो गई जी। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ ठोरी अबे लम्बू ने मारे ने यहाँ टंकी लगवा दी और थोड़ा पानी का साधन किया, मगर जो पानी के रास्ते में कट जाता है पानी।